हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड स्टार। आज की वीडियो में हम पीएनबी गिल शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। आपको स्टॉक अभी कौन सा लेवल पर फ्रेश एंट्री करना है, अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है एंड प्राइस के लिए कहां पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, डिटेल्स में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप ट्रेड स्टार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, एग्जैक्टली 1 मंथ पहले इस वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल्स में स्टॉक को कवर किए थे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे, एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आज का एनालिसिस आप समझ पाएंगे। एंड इस वीडियो का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखिए, वहां पे हम एक बड़ा चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जो कि एक वीकली टाइम फ्रेम में मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस जो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन कर रहा था। एंड मल्टी ईयर का जोन जो यहाँ पे था अराउंड 62-63 के आसपास था। और यहाँ पे जब कंसोलिडेशन कर रहा था, हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर किए थे कि कभी भी प्राइस में ब्रेकआउट आ सकता है। एंड आज जो है उसका डेली टाइम फ्रेम में का अपर बाउंड्री को प्राइस ब्रेक किया है एंड अभी शॉर्ट टर्म में तेजी यहाँ पे आ सकता है। अगर आप पहले से मेरे वीडियो देख रहे होंगे, आई होप कि आप इसको होल्ड कर रहे होंगे। देखिए, सारा गेम जो है पेशेंस का। अगर चार्ट स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उसके बाद अगर आप एग्जिट कर रहे हैं वो सही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है उसी की वजह से आप होल्ड कर नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे आपका साइकोलॉजी में कुछ गड़बड़ है। देखिए, प्राइस स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, प्राइस बस टाइम वाइज यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा था। अगर एक बार जाकर इस वीडियो को आप देखेंगे तो डिटेल्स एनालिसिस आप समझ पाए होंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो पेशेंसली होल्ड करता है सही स्टॉक को, वो हमेशा रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए, आप कभी भी 100% परफेक्ट हो नहीं पाएंगे, आपको हमेशा से वीक स्टॉक से आपको एग्जिट करना पड़ेगा एंड जिसका चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। देखिए, आपको टाइमिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई महीने में बारिश होगा, वो आपके लिए बोलना बहुत ही आसान होगा, लेकिन जुलाई महीना 11 जुलाई दिन 11 बजे बारिश होगा, ये बोलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन टाइम हो जा रहा है। तो इसीलिए जो भी चार्ट स्ट्रक्चर है, चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप स्टॉक को एक्युमुलेशन करेंगे के एंड उसको होल्ड करेंगे, आपको हमेशा से रिवार्ड मिलेगा। देखिए, मेरे हिसाब से चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन चार्ट एनालिसिस, तो आपको प्राइस के साथ चेंज होना पड़ेगा एंड जिस भी स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा होगा उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आई होप कि आपके लिए प्राइस एक्शन पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो अभी चलते हैं कि आज जो शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट आया है क्या है एंड जो लार्जर पिक्चर यहाँ पे बना था, सारा कुछ में इस वीडियो में हम एनालिसिस कर चुके हैं। एक बार जाकर बड़ा पिक्चर यहाँ पे देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पे कवर करते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है जो कि ब्रेकआउट आया है, उसके साथ यहाँ पे मैं 200 का मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूँ। देखिए, प्राइस में क्या हुआ है। पहले तो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट यहाँ पे आया था प्राइस में 62 के आसपास। शॉर्ट टर्म में देखिए क्या हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में देखिए प्राइस के लिए अपर बाउंड्री यहाँ पे बन रहा था 72 के आसपास एंड प्राइस के लिए लोअर बाउंड्री यहाँ पे बन रहा था 63 के आसपास, 72-63। एंड देखिए, इस जोन में प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए 200 मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। देखिए, मैं आपको हमेशा से बताया हूँ कि अगर प्राइस कभी भी 200 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे अगर रेंज ब्रेकआउट करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से जो रेंज ब्रेकआउट करने के बाद ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। देखिए, जिसके पास है एंड 1 महीने पहले से इसको एक्युमुलेट किए, वो तो नो डाउट होल्ड करना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी फ्रेश बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्रेश बाय कीजिएगा एंड ऐड करना है अप टू 70-69 के आसपास, इस जोन में आपको एक्युमुलेट करना है एंड आपके लिए सिंपली स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 68। आप 68 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर ये क्लोजिंग बेसिस पर रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल एक बार फ्रिक ट्रेड होता है, प्राइस नीचे आता है 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद प्राइस में रिवर्सल आ जाता है। तो आप यहाँ पे बिलो 68 डेली क्लोजिंग बेसिस पर अगर स्टॉप लॉस रखेंगे वो आपके लिए बेटर होगा एंड यहाँ पे आपको एक्युमुलेशन करना है अप टू 69। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। देखिए, टाइट कंसोलिडेशन के बाद ये रेंज से प्राइस बाहर गया है एंड एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम के साथ इसी रेंज को, जो 72 के आसपास प्राइस के लिए रेजिस्टेंस बन रहा था, इसको प्राइस ब्रेकआउट किया है एंड उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इस ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे टारगेट रखना है 94 के आसपास, जो कि आज जो एंट्री करेंगे एंड बड़ा टाइम फ्रेम का टारगेट क्या हो रहा है फिबोनाची एक्सटेंशन में, सारा कुछ हम
ये जो वीडियो था इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, इस वीडियो को जाकर एक बार आप देख लीजिएगा। आपका रिस्क रिवार्ड डिफाइन करके आप यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं एंड एड अप टू 68, 69 एंड एसएल देना है बिलो 68 डेली क्लोजिंग बेसिस पर एंड शॉर्ट टर्म का जो टारगेट बनेगा 95 के आसपास। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। देखिए स्टॉक मार्केट का जो पूरा गेम है वो क्वांटिटी का है, आपको क्वांटिटी सिर्फ मैनेज करना है। अगर आप सही तरीके से आपका क्वांटिटी मैनेज कर लेंगे एंड पेशेंसली होल्ड करेंगे सही चार्ट स्ट्रक्चर को, स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर को, ना कि वीक चार्ट स्ट्रक्चर को। अगर स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर को लेकर आप होल्ड करेंगे एंड आपका क्वांटिटी रिस्क को मैनेज करेंगे एंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, उसके बाद देखिएगा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक आप लिवरेज ट्रेडिंग करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करेंगे, वो आपके लिए हमेशा से दिक्कत होगा। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कीजिएगा एंड स्टॉक को आपके रडार में रखिए एंड जब बड़ा स्ट्रक्चर में कंसोलिडेशन हो रहेगा टाइम फ्रेम में, अगर वहां पे एंट्री करेंगे तो आपके लिए एंट्री प्राइस अभी होता 69 के आसपास, लेकिन अभी ब्रेकआउट आ गया है जिसको फ्रेश एंट्री करना है यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को भी मैनेज करना है, उसके साथ अगर मेरा एनालिसिस आपका एनालिसिस के साथ मैच करता है उसके बाद जाकर आपका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।